पर दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार राखी माँ को एक उम्मीद थी कि आखिरकार सब कुछ कबूलनामा कर लेगा अर्जुन की मैं ही करण हूँ, लेकिन दोस्तों करण ने किसी भी तरीका का कबूलनामा नहीं किया। लेकिन वहीं प्रीता को महसूस हो गया है कि ये अर्जुन नहीं है बल्कि ये करण ही है, और मन ही मन पूरी तरीका से कन्फर्म भी हो गया है प्रीता को, क्योंकि प्रीता को हर एक करण की एक्टिविटी का पता था। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करना चाहूंगा गाइस कि कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा कि किस तरीका से एक बार फिर प्रीता कॉल करती हुई नजर आने वाली है अर्जुन के पास में, अर्जुन से बोलती हुई नजर आने वाली है कि अर्जुन ना जाने क्यों मुझे तुम में अपनापन सा लगता है, और ना जाने क्यों मैं आखिरकार तुम्हारी तरफ खींची चली आती हूँ। और वाकई में दोस्तों ये बात भी हकीकत है कि अब धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रीता भी अर्जुन की तरफ आकर्षित होती हुई नजर आ रही है। वहीं कुछ लोगों का मानना ये है कि हमारा जो करण है वो वाकई में एक अलग ही तरीका का इंसान था जो आज के समय में अर्जुन के अंदर हमें देखने को मिलता है। और वाकई में दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरीका से अर्जुन की सच्चाई धीरे धीरे ही सही लेकिन लोगों के बीच में आएगी कि आखिरकार ये छुपा क्यों रहा है, क्योंकि ये तो सबको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि आखिरकार करण कोई और नहीं था बल्कि अर्जुन ही करण है। जी हाँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रीता के आवाज से और राखी माँ के आवाज से सभी लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि राखी माँ को पूरा यकीन है कि आखिरकार अर्जुन कोई और नहीं है बल्कि अपने ही संतान है जो अपनी संतान कुछ समय पहले हमने खो दी थी। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइज कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू।